अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज फ्राइडे है और मैंने सोचा कि आज काबली ब्लॉग बना लिया जाए, तो मैंने कहा आपसे भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। चलें जी, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। काबली ब्लाव के लिए जो हमने लिया है, 1 kg हमने बीफ लिया है, इसे सीने का गोश्त कहते हैं, मैंने तो यही लिया है। तो हमने 3 पाव सेला राइस ले लिए हैं, जिनको मैंने 3 घंटे पहले से भिगो लिया है। 3 बड़े गाजर लिए हैं मैंने, इनको बारीक स्लाइस कर लिया है। हाफ प्याली मैंने किशमिश ली है, हाफ प्याली ही मैंने बादाम ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है। 3 मैंने कार्डिमम ली है, जिसे हम सब्ज़ी इलायची भी कहते हैं, और 1 बड़ी इलायची ले ली है मैंने, और 30 से 35 अदद हमने ब्लैक पेपर ली है, और 8 से 9 हमने लौंग ले लिए हैं। और अब इनको मैंने बारीक पीसना है। वो वीडियो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो उसके बाद मैंने ये तीन बड़े खाने के चम्मच मैंने घी ले लिया है, अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप 2.5 ले लें। और मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, 2 बड़े टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, और 3 दरमियानी प्याज मैंने कट कर लिए हैं। चलिए जी, काबली पुलाव के लिए अब हमने जो बीफ की यखनी तैयार करनी है, उसके लिए मैंने ये 1 kg जो बीफ है, इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। अगर आप लोग कुकर यूज़ नहीं करते तो आपको इसके लिए तकरीबन 40 to 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलाने के लिए, लेकिन मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें अब 1 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। वन लीटर और ऐड कर दूँगी मैं इसमें। हाफ टेबल स्पून वो जो हमने गरम मसाला हमने ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। हाफ टेबल स्पून है ये। वन टेबल स्पून लेवल इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, और एक ये प्याज ऐड करनी है इसमें हमने, और हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे। अब चलिए जी, अब हम इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए कुकर को अब हमने लगा देना है, और इसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे। चलिए जी, देखें यखनी हमारी रेडी हो रही है। जब तक हम जो है ना अपनी गार्निश तैयार करेंगे इसकी, गार्निश रेडी कर लेंगे, तो फिर इसके बाद बाकी इसकी मेकिंग दिखाई जाएगी आपको। अब हम गार्निश रेडी करते हैं, और उसके लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था। अब इसमें ये गाजर डालूंगी। और हमने इसे ना इतनी देर सौते करना है कि बस ये थोड़ी सी जो है ना ये इसमें चलें जी, अब हम इसमें ये किशमिश ऐड कर देंगे, और ये बादाम ऐड कर देंगे हम इसमें, और हमने इसे अच्छी तरह से सौते कर लेना है। गार्निश हमारी रेडी है, गार्निश हमारी रेडी है बस। और जब हम बस थोड़ा सा दम हमारा और हो जाए तो हम इसमें इसे दम के साथ ही उसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, यखनी हमारी रेडी हो गई है, गोश्त बिल्कुल हमारा गल चुका है। अब हम गोश्त को यखनी में से निकाल लेंगे, और अब मैं आगे आपको राइस दिखाती हूँ मैं, अब हमने कैसे इसकी मेकिंग करनी है। चलें जी, अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। आपने राइस बनाने के लिए जो है ना पतीला खुला लेना है, हमारे 3 पाव राइस हैं। अगर हम खुला बर्तन नहीं लेंगे तो चावल हमारे ख़राब हो सकते हैं, तो इस वजह से आपने खुला बर्तन लेना है। अब हम इसमें अनियन डालते हैं, और
गोल्डन ब्राउन करना है हमने इन्हें, इसको लाइट गोल्डन करेंगे हम, इतना डार्क भी नहीं करना। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क भी कर लें। ये देखें जी, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें इसे अच्छी तरह भूनना है आपने, साथ ही अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और आपने अच्छी तरह भूनना है। ये देखें जी, ये हमने इसे अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें ये थोड़ा सा हम इसलिए ही यखनी ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी, और इसे हम थोड़ा कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से ना गल जाए। ये देखें जी, गोश्त अब हमारा बिल्कुल भुन गया है अच्छे तरीके से, और अब हम इसमें ये यखनी ऐड कर देंगे। मैंने जो है सेला राइस 3 गिलास लिए थे, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 6 गिलास यखनी चाहिए थी, तो जिसमें लेकिन मैं इसमें 6 पूरे ऐड नहीं करूँगी, मैं 5.5 गिलास इसमें ऐड करूँगी। और आप बर्तन से पैमाइश करें तो उसके मुताबिक ही आपने पानी लेना है। ये देखेंगे, इसमें 1 टीस्पून नमक मैं और शामिल कर रही हूँ, मुझे कम लगा तो मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। आपने देख लेना है, आपको जितना सही लगे, जितना आप खाते हैं उतना ही यूज़ करें। और अब बस बॉयल जब इसमें आएगा तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इसमें अपने सेला राइस ऐड करेंगे। चलें जी, इसमें हम फिर से वही जो हमने अपना मसाला ग्राइंड किया था वही 1 टीस्पून मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। ये देखें जी, राइस हमारे बिल्कुल दम के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें दम लगाएंगे। ये देखें जी, अब हम ये अपनी गार्निश इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से आपने राइस के ऊपर इसे ऐड कर देना है। और अब हम इसे 15 मिनट्स के बाद देखते हैं। ये देखें जी, काबली पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। काइंडली आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।